प्यारे दर्शकों, मैं फिर आपके साथ डॉक्टर रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट। आज रेकी की बात करेंगे, रेकी के बारे में जानेंगे कैसे रेकी हमें मानसिक स्तर पे ऊर्जावान बना देती है, मेंटल पावर देती है, कैसे हम मानसिक रूप से इतने ज़्यादा सशक्त हो जाते हैं कि हम हर परेशानी को समझ सकें, महसूस कर सकें और जीवन में उन्नति कर सकें। रेकी को अपनाएं, रेकी को समझें। पहले तो रेकी को समझना ज़रूरी है। क्या होती है रेकी? हमारे आसपास इतनी सारी ऊर्जाएं हैं जिनसे हम मोबाइल चलाते हैं, रेडियो चलाते हैं, टेलीविज़न चलाते हैं, और उन्हीं सब ऊर्जाओं में से एक ऊर्जा है जिससे हम रेकी करते हैं। और रेकी वही कर सकता है जो एट्यून होता है, जैसे मैं करती हूँ, आप सीखेंगे, आप भी कर सकते हैं। रेकी कोई भी सीख सकता है, कोई भी कर सकता है। जो लोग रेकी को यूज़ करते हैं वो रेकी की जो एनर्जीज हैं आसपास उसको महसूस कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं और ट्रांसफ़र करके किसी के भी शरीर में सकारात्मक ऊर्जा डाल सकते हैं। मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक तीन तरीके से रेकी फ़ायदा देती है। किसी भी बीमारी के आप इलाज के लिए जाते हैं, एक ही तरीके का आपको इलाज मिलता है, शारीरिक। मानसिक इलाज तो कहीं भी नहीं है, चाहे कोई भी इलाज हो, चाहे आप कोई भी इलाज ले लें, सिर्फ रेकी में होता है। मानसिक भी होता है, आध्यात्मिक भी होता है। आप ऊर्जावान बनते हैं, आपका ऑरा भी स्ट्रांग होता है, आप सोच नहीं सकते रेकी से इतना फ़ायदा होता है आपको। अगर आप रेकी खुद सीख लें और खुद अपनी हीलिंग करें तो आपके सातों चक्र क्लीन हो जाएंगे और उसके बाद आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी, आपका ऑरा मजबूत होगा और आप फालतू की इधर उधर की बातों में इफ़ेक्ट नहीं होंगे, मजबूत बनेंगे, आपका दिल स्ट्रांग होगा, छोटी छोटी बातों का आप सोचेंगे नहीं, आप अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे, बेकार की बातों से इफ़ेक्ट ही नहीं होंगे आप। तो हीलिंग को अपने जीवन में अपनाना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव ऊर्जा को अपने पास लाना बहुत ज़रूरी है। तो आप सब लोग अगर हीलिंग नहीं सीख सकते, खुद अपनी हीलिंग नहीं कर सकते, तो एक बारी अपनी हीलिंग ज़रूर कराएं, कम से कम एक महीना बहुत ज़रूरी है। जितने हमारे चक्र हैं जन्मों जन्मांतर से, उनमें जमी हुई है गंदगी, निकालनी तो है ना, एक बारी तो निकालनी है। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा को आप निकालिए, बाहर निकालिए, उसके बाद देखिए आपको कितनी मानसिक शांति मिलती है। रात को नींद अच्छी आएगी, हल्का महसूस करोगे, मन बहुत अच्छा महसूस करेगा और ऐसा लगेगा कि मैं जीना चाहता हूँ, मैं क्या कर रहा था अभी तक, क्या बातें सोच रहा था, किन चीज़ों के बारे में सोच रहा था जिनके बारे में सोचने के लिए मुझे फुर्सत ही नहीं होनी चाहिए, मैं क्यों ऐसी बातें सोच रहा था। आप हीलिंग करवाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आप अपने आप से जुड़ रहे हैं, मानसिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, चीज़ों को जल्दी समझ रहे हैं, सकारात्मक ले रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, नेगेटिव चीज़ों से दूर हो रहे हैं, ग्रो की तरफ जा रहे हैं, ऑफिस में भी आप खुश रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, ज़्यादा ग्रो करेंगे, घर में भी आपके संबंध अच्छे होंगे। मानसिक रूप से जब आप सशक्त होंगे तभी आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होने से ही कुछ नहीं होता, मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, ऊर्जावान होना बहुत ज़रूरी है, आपका रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको कोई भी इलाज नहीं दे सकता। मेडिटेशन दे सकती है, हर एक मेडिटेशन नहीं कर सकता, मेडिटेशन के लिए भी हीलिंग बहुत अच्छी है। अगर आप हीलिंग करेंगे, हीलिंग सीखेंगे, खुद को मेडिटेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो अपने जीवन में रेकी को अपनाएं, हीलिंग को अपनाएं, मानसिक ऊर्जा से भर जाएं, एक मेंटल पावर बन जाएं, स्ट्रांग बन जाएं, जीवन में आगे बढ़ें, ग्रो करें, रेकी को समझें। रेकी हमारे देश से गई हुई है, जापानी विद्या नहीं है, यहीं की है, हमारे अध्यात्म से जुड़ी हुई है, हमारे ध्यान से जुड़ी हुई है, भारतीय है, उसे अपनाएं। आज के लिए इतना ही, मैं फिर आपसे मुलाकात करूँगी। डॉक्टर रमा, नमस्कार।